हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल की बात। तो आज है रक्षाबंधन। मैं मेरे सारे भाइयों, बहनों और दोस्त को रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं विश करती हूँ। और आप लोग बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए और रक्षाबंधन बहुत एंजॉय कीजिए। और किसको क्या गिफ्ट मिला बताना मत भूलना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि रक्षाबंधन स्पेशल भाइयों को और बहनों को क्या क्या गिफ्ट मिला है। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्चुअली दोपहर से। दोपहर को अभी हमारा खाना बनाना हो गया है, ठीक है? ब्रेकफास्ट सुबह आज हम लोग नहीं किए थे क्योंकि मॉर्निंग वॉक से आने के बाद आज सौरभ बोल रहा था कि सत्तू का ड्रिंक बनाने के लिए, जो होता है ना ठंडा पानी में सत्तू घोल के उसमें प्याज और मिर्ची वगैरह डाल के, नींबू डाल के बहुत अच्छा सा एक ड्रिंक बनता है। तो वो बहुत हेल्दी भी होती है और बहुत टाइम तक वो पीने के बाद पेट भरा हुआ होता है। तो आज सुबह हमने वही पी लिया था तो इसलिए और भूख नहीं लगा। तो आज हम डायरेक्ट लंच कर लेंगे और लंच करते टाइम आज मैं शूट नहीं कर पाई इसलिए, क्योंकि मैंने सोचा रक्षाबंधन में क्या करूं, मतलब फैमिली नहीं है, भाई बहन कोई भी यहाँ पे नहीं है, कोई आ नहीं पाए इस साल, तो इसलिए थोड़ा मन भी खराब था। तो मैं सोचा कि क्या करूं, थोड़ा बहुत खाना ही बना लेती हूँ अच्छा खासा। तो वही मैं खाना बना रही थी सुबह से और इतना कुछ स्पेशल तो बनाया नहीं क्योंकि आज सौरभ मार्केट जा नहीं पाया। और इतना कुछ मछली वगैरह, मुझे पता है कि रक्षाबंधन में बंगाली लोग ना मटन वगैरह तो बनता ही है लेकिन नॉनवेज अगर बनता है तो मछली बहुत शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन तो छोड़ो, मतलब कोई भी ओकेशन में मछली को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मछली आज मुझे मिली नहीं। तो इसीलिए क्या करूँ, वही जो घर पे जो था वही मुझे बनाना पड़ा। तो रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। आज मैं खाना बनाने के बाद किचन साफ करने की मुझे टाइम नहीं मिली। और हाँ, यहाँ पे ग्रॉफर्स का जो मेरा ग्रॉसरी ऑर्डर था वो भी आ गया है। इसको मैं सैनिटाइज होने के लिए बाहर रखी थी। अब कुछ देर बाद मैं, मतलब शाम के टाइम पे जब मुझे टाइम मिलेगी तब इसको मैं अच्छे से सजा के रखूँगी कवर्ड में। और किचन आज साफ़ करने की मुझे टाइम नहीं मिली तो मैं किचन बाद में साफ़ करूँगी। तो स्टार्टिंग से दिखाती हूँ, यहाँ पे है चावल। आज चावल मैंने ज़्यादा बनाया है, उसका रीज़न मैं बताती हूँ आपको। और सारे सब्जी आज मैंने ज़्यादा बनाया है क्वांटिटी में। और यहाँ पे है दाल, टमाटर डाल के मैंने दाल बनाया है। और यहाँ पे है कद्दू की एक सब्जी, कद्दू और चना डाल के एक सब्जी है, इसको बंगाली में बोलते हैं कुमड़ो छक्का, ये बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे है आलू पोस्तो, जो कि आप जानते ही हो, मैंने आपको पहले बताया था कि आलू पोस्तो बंगाली में बहुत फेमस है। और है यहाँ पे अंडा कड़ी। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा अंडा क्यों, उसका रीज़न है मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ तो यहाँ पे है कच्चा आम, जो होता है ना कच्चा आम की चटनी, तो ये सब मैंने आज बनाया है। तो इसका रीज़न ये है कि आज मैंने अनिंदो भैया को दोपहर को लंच के लिए बुलाया है। आप लोग तो जानते ही हो ना अनिंदो भैया को, लास्ट दिन जो मेरे साथ ब्लॉग में था। तो अनिंदो भैया को मैंने आज लंच के लिए बुलाया है क्योंकि उसका भी बेचारा का यहाँ पे कोई है नहीं, तो वो भी यहाँ पे अकेला रहता है ना, तो इसीलिए उसको भी राखी बांधने वाली कोई है नहीं और घर पे वो क्या करेगा अकेला, इसीलिए मैंने बुला लिया कि इधर आ जाओ एक साथ लंच करेंगे। लेकिन अनिंदो भैया का कुछ पर्सनल, कुछ क्या बोलते हैं उसे एग्जैक्टली, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन अनिंद भैया का कुछ पर्सनल कुछ इशू है तो इसलिए वो किसी से भी राखी नहीं बंधवाता है, मतलब उनका कुछ अलग एक इशू है तो इसीलिए अनिंद भैया किसी से राखी नहीं बंधवाता है। मुझे लास्ट ईयर ही उसने बोल दिया कि राखी के टाइम पे, मैंने जब अनिंद भैया को बोला था कि मैं तुमको राखी बांधूंगी तुम आ जाना, तो लेकिन मैं तेरे घर आ सकता हूँ, खाना वाना सब कुछ खा के जाऊँगा, तुझे गिफ्ट भी दे दूंगा, लेकिन मुझे राखी नहीं बनवाना है क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल इशू है। तो इशू मुझे उसने बताया था लेकिन वो, मतलब आई डोंट वांट टू शेयर इन द सोशल मीडिया, सो दैट्स वाई मैं बता नहीं पाऊंगी। तो ये इशू है। तो अनिंदो भैया भी आएगा कुछ देर बाद तो इसलिए खाने का क्वांटिटी थोड़ा मैंने ज़्यादा बनाया है। मुझे तो भूख भी लग गया है, पता नहीं सौरभ को कैसे भूख नहीं लगा। एक अमूल लस्सी था, ये पी लेती हूँ। तो गाइस, आज सौरभ के लिए पता नहीं कोई एक पार्सल आया था, किसने भेजा नहीं पता। यहाँ पे सौरभ का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, और हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, लेकिन किसने भेजा सच में नहीं पता। तो सौरभ का पार्सल है इसलिए मैंने सोचा कि सौरभ को खोलने देते हैं। तो आप लोगों के सामने अभी अनपैक कर रहे हैं इसको, फ्लिपकार्ट से है, देखते हैं क्या है इसमें और किसने भेजा सौरभ के लिए गिफ्ट। वो भी मुझे नहीं पता, ऐसा हो सकता है गर्लफ्रेंड ने भेजा। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है कि कोई पुराना कोई गर्लफ्रेंड है, इसी ने शायद भेजा है।
खोलूंगी बाबा, मेरा नहीं है, मेरा नाम नहीं है उसमें, मैं तो नहीं खोलने वाली, किसी को खोलने देते हैं। जिसने भी भेजा बहुत काम की चीज भेजा है। और इसमें क्या है? ये मुझे बहुत पसंद आया, मैं भी यूज कर पाऊंगी, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है ना, मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, है ना। काश मेरे लिए भी कोई ऐसा भेजता कुछ। वाह, ये क्या है? Love you. Love you भी भेजा इसको। You are the adopted one, but I still love you. You are the adopted. कौन adopted? You are the adopted one, but still I love you. ये किसने भेजा है पता नहीं, seriously? हाँ। You are the adopted. कितना कुछ भेजा है। तुम कितना लकी हो यार। हाँ, थैंक यू फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ इंटरनल बॉन्ड। हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के लिए। अच्छा, इसमें एक गिफ्ट कार्ड भी है शायद। एक सेकंड, इधर ऊपर फोकस नहीं चला गया ना, पता नहीं इसके ऊपर फोकस नहीं ले रहा है। अच्छा, ये देखो गाइस, राखी भी भेजा है और इसके साथ ये जो करते हैं ना तिलक वगैरह लगाते हैं ना, ये चावल और सिंदूर, ये भी है। राखी है बहुत क्यूट और इसके साथ एक कॉफी मग, इसमें भी सेम ही लिखा है, यू आर द अडॉप्टेड वन बट आई स्टिल लव यू। और एक राखी है। तुम्हारा तो दिन बन गया यार। मेरे लिए तो कोई किसी ने कुछ नहीं भेजा। किसने भेजा है, एनी आइडिया है एड्रेस वहां पे? मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा, तो मैं तो ये लेने वाली हूँ। मैं, ये मेरा है, ये मैं ले लूंगी और ये सब कुछ उससे दे दूंगी। लेकिन दो राखी है, समझ में नहीं आ रहा है। तो एनी आइडिया किसने भेजा है? हमारी बहन ने भेजा है। मुझे पता था एक्चुअली। ये मेरी बहन ने ऑर्डर किया था जिस टाइम पे, उसी टाइम पे मुझे बता दिया था कि दीदी ये मैं ऑर्डर कर रही हूँ, भैया को पसंद आएगा। तो मैंने बोला कि तू कुछ भी भेज दे, उसको पसंद ही आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर द यंगर वन, तो जो भी कुछ तो भेजेगी भैया को ऑब्वियसली पसंद आएगा। तो फिर उसने मुझे दिखाया था, तो मैंने बोला हाँ ठीक है ये। तो बोला था सौरभ को नहीं बताना, बोला कि भैया को मत बताना, उसको मैं सरप्राइज देने वाली हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, ये बहुत दिन पहले ऑर्डर करके रखा था उसने, तो मैंने इसे बताया नहीं, और वो पार्सल आज ही लग के लिए आया है। की रे, की पाठी चीज तू है? इसने एग्लोट की दरकार छिलो। थैंक यू तो बोलेगा। थैंक यू किंतु एगुलो एक एक हां पसंद है, एगुलो दरकार की छिलो সেটা বলা। কিসের জন্য? তুই ছোট এখন, তুই এগুলো দরকার কি ছিল? তুই রাখি পাঠাতে পারতিস একটা? আর ये दो রাখি, শুধু একটা রাখি পাঠাতে পারতিস। এক उसके लिए है और एक मेरे लिए है, इसीलिए इसने दो भेजे हैं। वो हमेशा दो, मुझे भी राखी पहनाती है और उसको भी राखी पहनाती है। तो एक राखी उसके लिए है और एक राखी मेरे लिए है। ये सब मुझे पता था ऑलरेडी। तू ही की भी बोल। सो जैसे आप लोग ने देखा, ये मेरी बहन कम साली ने भेजा है, ठीक है, रक्षाबंधन के लिए मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। तो मैंने उसे कॉल किया था एंड उसे थैंक यू बोला है, एंड अभी मैं आप लोग के सामने भी बोलना चाहता हूँ थैंक यू श्रेया फॉर यू सेंडिंग दिस। तो ये ब्लॉग देखना एंड ओवर द ब्लॉग मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये थैंक यू, एंड डेफिनेटली मैं तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट तो होगा ही, एंड उसका जैसे नवंबर सितंबर में उसका बर्थडे आ रहा है, तो मैं उसे तो एक अच्छा कुछ भेजूंगा ही। थैंक यू।
मेरी बहन रेगुलर बेसिस में मेरा ब्लॉग देखती है, मतलब एक कोई भी ब्लॉग वो मिस नहीं करती, हर एक ब्लॉग वो देखती है, तो इसीलिए। और लास्ट टाइम रक्षाबंधन में ना वो यहाँ पे थी, तो इसलिए थोड़ा मतलब मन खराब लग रहा है। लास्ट टाइम मम्मी पापा और वो सब लोग यहीं पे थे, तो अभी जिस जगह पे बैठ के हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं ना, इसी जगह पे हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट किए थे, है ना? Yes. इसी जगह पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट किए थे, और मैं और सौरभ ऐसे आसपास बैठी हुई थी, और मेरी सिस्टर यहाँ सामने बैठ के हम दोनों को राखी बांध रही थी, और वो दिया या जला के जो सब होता है ना मम्मी ने सिखा दिया था, वो सब कुछ उसने किया था। और सौरभ ने कुछ मिठाई लाया था जो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ही घटिया मिठाई था। मतलब यहाँ पे ना इतना कुछ अच्छा मिठाई मिलता नहीं है, मतलब वेस्ट बंगाल में जो टेस्ट आता है ना मिठाई का, वो टेस्ट यहाँ पे नहीं आता है। तो कुछ अजीब सा इसने मिठाई लाया था जो कि बहुत ही बेकार था, हम कोई खा ही नहीं पाए वो वाला मिठाई। तो फिर मम्मी रात को हलवा बना के दिया था, वो हम सब लोग मिलकर बहुत इन्जॉय किए। तो वही मिस कर रही हूँ मैं बहन को। हाँ, श्रेया, आई मिस यू सो मच। हाँ, लास्ट टाइम वो यहाँ पे थी, तो इस बार भी उन लोगों का आने का ही प्रोग्राम था, लेकिन इस कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया, टिकट हो गया था, फ्लाइट की बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग, सब कुछ हो गया था, फिर सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम रक्षाबंधन में हम लोग एक साथ होंगे। लेकिन रियली थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट तो नहीं बोलूँगी, ये मतलब गिफ्ट बोलूँगी तो फिर वो पढ़ाई पढ़ाई जैसा फील होता है, गिफ्ट तो नहीं बोलूँगी, मतलब ये सच में बहुत ही प्यारा लगा मुझे, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। अभी रात को 8 बज रहा है और मैं अपने किचन दिखाती हूँ, देखिए कि किचन इतना गंदा होके रखा है ना, सिंक में इतना ज़्यादा बर्तन कभी नहीं होता मेरा, लेकिन वही होता है ना घर पे जब कोई गेस्ट आते हैं तो बर्तन वगैरह हो जाता है। यहाँ पे जो मैंने खाना बनाया था वो आधा भी ख़त्म नहीं हुआ, और ये सब मिठाई आनंद भैया ने लाया था, बहुत ही टेस्टी थे मिठाई, लेकिन वही वेस्ट बंगाल का ये मैंने खाली कर दिया पूरा, बहुत सारी मिठाई था, सब खा लिया, सौरभ से एक खाया है, आनंद भैया ये वाला मिठाई खाया ही नहीं, आनंद भैया को ये वाला मिठाई ज़्यादा पसंद आया था, और ये वाला डब्बा पूरा मैंने ख़त्म कर दिया। कुशन और कॉफ़ी मग जो था वो मेरी बहन ने मेरे लिए भेजी है, और साथ में ये राखी, और सिपर जो था और उसके साथ जो और एक राखी था वो सौरभ के लिए भेजा है। तो उस कुशन में जो लिखा हुआ था ना, और कॉफ़ी मग में जो लिखा हुआ था कि यू आर अडॉप्टेड बट स्टिल आई लव यू, तो इसका स्टोरी ये है कि मैं और मेरी बहन ना हमेशा हम एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ये बोल के, वो मुझे बोलती है कि तू अडॉप्टेड है, और मैं उसे बोलती हूँ कि तू अडॉप्टेड है, मैं उसे बोलती हूँ कि मुझे एक बहन चाहिए था काफ़ी दिन से, तो मैं मेरी मम्मी को हमेशा बोलती थी बचपन में कि मुझे एक बहन चाहिए। तो मैं और मम्मी एक दिन हमारे वहाँ ना होम टाउन में हमारे लोकेलिटी में एक पॉन्ड जैसा है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि मैं और मेरी मम्मी जब पॉन्ड के साइड से जब जा रहे थे तब तू इतना सा था तो तुझे कोई पानी में फेंक दिया था, ठीक है, तो तू पानी में रो रही थी, तो इसलिए फिर तेरी रोने की आवाज़ सुनने के बाद मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी प्यारी सी बच्ची है घर लेके चलो, तो फिर हमने तुझे घर लेके आया और तुझे अडॉप्ट किया। हाँ, तो तू मेरी असली बहन नहीं है, तो मतलब जो होता है ना नॉर्मली भाई बहनें एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ये बोल के, तो हम भी यही बोलते हैं, तो इसीलिए उसने कहीं से ढूंढ ढूंढ के यही वाला मतलब मिल मैच भी हो गया है ना काफ़ी, तो यही वाला उसको मिल भी गया, और इसीलिए वो मेरे लिए भेजा है, तो वो भी मुझे सेम बोल के चिढ़ाती है कि मैंने तो मम्मी से पूछा था, मम्मी ने बोला कि नहीं दीदी अडॉप्टेड है, तू अडॉप्टेड नहीं है, तू मेरी असली बेटी है और दीदी अडॉप्टेड है। तो फिर और जब हम तीनों एक साथ हो जाते थे ना इस टॉपिक को लेके, फिर बीच में ना मम्मी फंस जाती थी हमेशा, तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी बताओ श्रेया अडॉप्टेड है कि नहीं, और बहन बोलती है मम्मी आज तुम प्रूफ कर दो हमारे सामने, आज बोल दो कि दीदी अडॉप्टेड है कि नहीं, तो फिर मम्मी ना रूम से उठ के चली जाती थी, भाग जाती थी मम्मी कि मैं किसी को भी जवाब नहीं देने वाली बोल के मम्मी चली जाती थी। तो ये अडॉप्टेड का जो टैग वाला जो मेरी बहन ने भेजा है वो उसका स्टोरी ये था। तो देखिए मैंने ये राखी बांध लिया है, बहुत ही प्यारी है राखी, और सौरभ ने भी बांधा है, आनंद भैया ने बांध दिया उसे, सौरभ ने भी बांधा है, लेकिन उसका वाला मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि वो ना ऑफिस का काम कर रहा है, तो अभी उधर कॉल वगैरह चल रहा है तो मैं जा नहीं सकती वहाँ पे, तो इसलिए उसका वाला दिखा नहीं पाऊंगी, उसके हाथ में अभी रहेगा वो काफ़ी दिन तक, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देख ही पाओगे।
तो सब कुछ मिला के राखी आज का अच्छा ही गया। मतलब मैंने जितना सोचा था फीका फीका सा जाएगा, क्योंकि अनिंदो भैया कुछ दिन से आ नहीं रहा था, हमारे आसपास बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले थे, तो इसलिए फ्लोर सील था, सोसाइटी सील थे काफ़ी दिन तक, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं था कि अनिंदो भैया आएगा। अनिंदो भैया लास्ट टाइम राखी में भी आया था, लेकिन उसने एज यूजुअल राखी बांधा नहीं था, लंच करके चला गया था। तो मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइम पे भी अनिंदो भैया आ पाएगा इस हालत में, लेकिन थैंक यू अनिंदो भैया कि आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम एक साथ हम लोग बहुत एंजॉय किया। हाँ, अनिंदो भैया मेरे लिए दो बड़ा बड़ा डेयरी मिल्क भी लाया है, तो वो धूप में लाया था ना बाहर से, थोड़ा गल गया है, तो उसको मैंने फ्रिज में रखा है, तो रात को खाऊंगी। मतलब मैं जितना ट्राई कर रही हूँ कि चॉकलेट छोड़ दूंगी, उतना ही कहाँ कहाँ से चॉकलेट आ रहा है मेरे लिए, तो फ्रिज में अब भी इतना इतना चॉकलेट पड़ा हुआ है, देखते हैं ख़त्म तो करना पड़ेगा। मैं दूध में मिला के खा लूँगी, उससे दूध का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस यही है, राखी मेरा अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया, मतलब अनएक्सपेक्टेडली अच्छा गया। एक तो सरप्राइज़ गिफ्ट मिला मुझे सौरभ को, दोनों को, ऊपर से अनिंदो भैया आया, खाना पीना हुआ, बहुत दिन बाद एक साथ खाना पीना सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो अभी अनिंदो भैया चला गया है क्योंकि उसको भी एज यूजुअल लॉगिन करना है ऑफिस के लिए, तो वो चला गया था दोपहर को, और हम लोग भी खाना पीना करके थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, तो बस सभी काम करना है, बहुत काम है। चलो अच्छा है, मुझे रात को कुछ खाना बनाना नहीं पड़ेगा, जो कुछ भी है दिन का मैं वही खा के हो जाएगा मेरा आज, और सौरभ के लिए रोटी बना दूंगी, बस हो जाएगा आज का दिन ख़त्म। तो आपने तो जैसे देख ही लिया, इतना ज़्यादा बर्तन वगैरह है, तो मुझे लग रहा है आज का ब्लॉग मुझे यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बर्तन वगैरह मुझे अभी धोना है। माय गुडनेस, मुझे सोच के ही कैसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा बर्तन मुझे धोना पड़ेगा, और सौरभ तो काम पे लग गया है ना, उसको मैं अभी बुला नहीं सकती, तो मुझे खुद ही अकेला करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मैं बर्तन मांजती हूँ अभी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।